अगर आप Hyundai Accent खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है, या फिर वो लोग जो कि 6 लाख से 10 लाख की रेंज में अपने लिए कोई गाड़ी ढूंढ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल अलावा। तो आज हमारे साथ है Hyundai की Accent। हम करने वाले हैं इसका माइलेज टेस्ट, और इस माइलेज टेस्ट में कुछ खास है। हाईवे पर भी चलाकर देखेंगे, सिटी में भी चलाकर देखेंगे, और हिल्स पर भी चलाने वाले हैं। हम सिटी प्लस हाईवे का आपको अलग माइलेज बताएंगे और हिल्स का आपको अलग माइलेज बताने वाले हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो टैंक हो गया है फुल और ऑडोमीटर में रीडिंग दिखा रहा है 3094 किलोमीटर। नोएडा से शुरू होकर हमारा सफर पहुंचेगा काठगोदाम, और सीधा वहीं पर हम फ्यूल भराने वाले हैं। इस दौरान हम हाईवे कवर करेंगे, बहुत सारे शहर कवर करेंगे और बहुत सारा ट्रैफिक हमें मिलने वाला है। सिर्फ एक जगह रुकेंगे जहां पर हम 100 किलोमीटर चल गए हों, यानी 100 किलोमीटर चलने में हमें क्या माइलेज मिला उसका हम आइडिया करेंगे। अगर हम इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। काफी रिफाइंड ये इंजन है, और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इस इंजन को चला रहे हैं। Hyundai की कुछ गाड़ियों में हम ऑलरेडी इस इंजन को देख चुके हैं, चाहे आप बात करें ग्रैंड i10 नियोस की, चाहे बात करें i20 की, या फिर ओरा की, या फिर Hyundai वेन्यू की, इन सभी में यही सेम इंजन दिया गया है। और इस गाड़ी की अगर पावर फिगर की बात करें तो 83 BHP ये जनरेट करता है, और 114 Nm का पीक टॉर्क आपको मिलने वाला है। काफी रिफाइंड इंजन है। गियर बॉक्स की बात करें तो दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 5-speed मैनुअल और 5-speed AMT। हम जो गाड़ी चला रहे हैं वो 5-speed AMT गियर बॉक्स के साथ आती है। अब ये जो गियर बॉक्स है, ये टॉर्क कन्वर्टर या बाकी जो गियर बॉक्स आते हैं ऑटोमेटिक में, CVT वगैरह, उनके जितना स्मूथ तो नहीं है। आपको गियर शिफ्ट जब भी होंगे तो आपको लैग महसूस जरूर होने वाला है। लेकिन इसके साथ अच्छी चीज ये है जो कि Hyundai ने की है कि पैडल शिफ्टर आपको दे दिए हैं। भाई ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हम चला चुके हैं इस गाड़ी को लगातार, और अब हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है ताकि हम आपको एक बार MID दिखा पाए कि उसमें क्या क्या फिगर्स माइलेज वगैरह की दिख रही है। और अगर आप MID को देखेंगे, यहाँ पर ऑलमोस्ट 95 किलोमीटर ये चल चुकी है गाड़ी, और माइलेज दिखा रहा है यहाँ पर 15.8, यानी ऑलमोस्ट 16 का माइलेज अभी दिखा रहा है। लेकिन इसमें आपको ये चीज नोटिस करनी चाहिए कि हमने 100 से भी ऊपर गए, तो इस तरह का स्पीड पे हमने क्रूज किया है, यानी थोड़ा रफ एंड टफ ड्राइविंग हमने की है। आइए सफर को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि माइलेज में अब क्या परिवर्तन होने वाला है। हमने सिटी ट्रैफिक में ज्यादा चलाया है, हाईवे भी काफी चलाया, लेकिन हमने स्पीड को ज्यादा रखा। अब हम स्टेबल स्पीड पे चलेंगे और देखेंगे माइलेज में कितना अंतर आता है। तो फाइनली बारिश भी बंद हो गई है। अब उन फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन फीचर्स की बात करते हैं जो कि ट्रैवलिंग के दौरान आपके बहुत काम आने वाले हैं। वैसे कंपनी ने इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डैश कैम। अब ट्रैवलिंग के दौरान आपको सबसे ज्यादा काम कौन सा फीचर्स आएंगे, नंबर एक डैश कैम। अब ये कैमरा आपको बाहर की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है और अंदर की भी दिखाता है। नॉर्मली लोग इसको बाहर से परचेस करते हैं, लेकिन Hyundai अपनी गाड़ी में खुद ही प्री इंस्टॉल करके दे रही है। इसमें आप SD कार्ड लगाइए और रिकॉर्डिंग हो जाएगी, और HD रिकॉर्डिंग होती है। इसमें चार्जिंग के आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको USB टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, आपको USB टाइप ए पोर्ट भी मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है, यानी हर वो पॉसिबल चार्जिंग की सुविधा दी गई है जो कि आपके पास होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। अब इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके लिए अलग से फिजिकल बटन भी दिए गए हैं, और यहाँ डिस्प्ले से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको नेविगेशन भी दिया गया है, आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता जरूर है, लेकिन आप वायर से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज विरोधाभास करती है, यानी बहुत लोगों को समझ नहीं आई कि अगर आपने वायरलेस चार्जिंग दे दी है तो फिर वायरलेस कनेक्टिविटी क्यों नहीं दी, क्योंकि लोग अगर अपने फोन को वायर से ही कनेक्ट करने वाले हैं तो वायरलेस चार्जिंग का क्या करेंगे भाई। तो फाइनली हम आ गए हैं काठगोदाम में, और अब वो टाइम आ गया है जब हमें फिर से इसमें पेट्रोल डलवाना है, टैंक फुल कराना है, और ये देखना है कि सिटी प्लस हाईवे में हमें क्या माइलेज मिला है। उसके लिए टैंक फुल कराएंगे और देखेंगे कितने लीटर तेल इसमें डला, और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे अपने किलोमीटर से। तो आइए टैंक फुल कराते हैं। टैंक फुल हो गया है, आइए देखते हैं कितने लीटर तेल इसमें डला है।
आप देखेंगे कि 1418 रुपए का मेरा बिल बना है और 15 लीटर इसमें तेल डल गया है। आइए चलते हैं अब गाड़ी को देखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, MID दिखा देते एक बार। तो जो इसका ट्रिप मीटर था उसको मैं सही से रिसेट नहीं कर पाया था, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, लेकिन हमारे पास ओडोमीटर की डिटेल जरूर है। जब हमने पहली बार तेल भराया था यानी नोएडा में, तब हमारा मीटर था 3094 और अब है 3343। अब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है और क्या हमें माइलेज मिला है। 3343 माइनस 3094 यानी 249, लगभग 250 किलोमीटर ये गाड़ी चल गई है और हमारा फ्यूल खर्च हुआ है एग्जैक्ट 15 लीटर डिवाइडेड बाई 15, 16.6। हमें जो माइलेज मिला है वो 16.5 से थोड़ा ज्यादा मिला, 16.6 का माइलेज हमें सिटी प्लस हाईवे में मिला है, जिसमें हमने स्पीड को 80, 90, 100 तक भी रखा है और क्रूज कंट्रोल पर भी चलाया है और हार्ड पुश भी किया है, हर तरह से जैसे एक नॉर्मल ड्राइवर चलाता है उस तरह से हमने इस गाड़ी को चलाकर देखा है। तो सिटी प्लस हाईवे का माइलेज जो रहा वो 16.6 रहा। अब हमारा जो पड़ाव है आगे बढ़ने वाला है, यानी माइलेज टेस्ट यहीं नहीं रुकने वाला, अब हम और ऊपर जाएंगे, पहाड़ों पर चलाकर देखेंगे और वहां भी चेक करेंगे कि क्या माइलेज हमें मिला है। वापस इसी पेट्रोल पंप पर आएंगे और चेक करेंगे कितने लीटर तेल हमारा पहाड़ों पर लगा। तो आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं। पर एक और चीज गौर करने वाली है कि MID में जो फ्यूल इफिशियंसी दिखा रहा है एग्जैक्ट वही माइलेज हमें रियल में मिला है। अब हम पहाड़ों पर ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस काफी हद तक बदल गया है। अब आप मुश्किल से 20-30 की स्पीड पर चल रहे हैं। इसका जो इंजन है वो ठीक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपको इंजन नॉइस ठीक ठाक इसमें आ रही है, वो एक चीज नोटिस करने वाली है। दूसरा, इसका जो AMT गियर बॉक्स है उसका काफी फायदा आपको हिल्स पर मिलने वाला है, क्योंकि जब आप मैनुअल गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको हर मोड़ पर कई बार गियर बदलने पड़ते हैं, कभी पहले में कभी दूसरे में, तो वो झंझट इसमें नहीं है। यूं तो हुंडई एक्स्टर में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, लेकिन कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि आपको हिल्स पर ड्राइव करते हुए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मिलता है आपको हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। इसके साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिल जाता है। हालांकि जो कैमरा है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, लेकिन इसमें कैमरा दिया गया है, यही एक अच्छी चीज है, आपको कई बार जरूरत में काफी काम ये आ सकता है। तो ये हमारे माइलेज टेस्ट का अगला दिन है। हम रात में इन्हीं कुरपाताल में रुक गए थे जो कि नैनीताल के पास में है, और पहले अप हिल किया है, अब हम डाउन हिल जाएंगे। नीचे जाते हुए बेटर माइलेज मिलने की हमें उम्मीद है। नीचे जाने के बाद हम फिर से उसी पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल भराने वाले हैं और चेक करेंगे कि पहाड़ों पर हमें एक्चुअल माइलेज क्या मिला है। इससे हमें कंबाइंड माइलेज का भी पता चल जाएगा कि सिटी हाईवे प्लस पहाड़ अब क्या माइलेज हमें मिला है। तो नीचे की तरफ जाते हुए ऑब्वियसली हमें माइलेज थोड़ा सा बेटर मिला है। फ्यूल इफिशियंसी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 10.7 KMPL की दिखा रहा है, और थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं उस पेट्रोल पंप पर जहां मैंने फ्यूल भराना है। पेट्रोल पंप पर पहुंच गए हैं और MID को हम चेक कर लेते हैं कि जब से हमने यहां पे तेल भराया था और तब तक हम कितना चले हैं। तो हम चले हैं 78.2 किलोमीटर आना हिल्स पर और जाना 78 किलोमीटर चले हैं, और MID में फ्यूल इफिशियंसी दिखा रहा है 10.5। सेम पेट्रोल पंप है जहां पे हमने कल भराया था पहाड़ों पर चढ़ने से पहले। मीटर हो गया 0 और तेल डालना हो गया चालू। तो भाई देख लो आप, टैंक हो गया है फुल, ये इसको करने वाले हैं बंद, और आप यहां पे मीटर देख लो, 8.5 लीटर फ्यूल इसमें आया है, 800 रुपए का फ्यूल आया है। ये लीजिए कार्ड, आप कर लीजिए पेमेंट और हम करते हैं कैलकुलेशन। 78.2 किलोमीटर ये चली है, डिवाइड करते हैं 8.48 से, 9.2 KMPL का माइलेज हमें मिला है पहाड़ों पर जो हमने ड्राइव किया है। अब हम देखते हैं कंबाइंड माइलेज हमें क्या मिला है। तो जैसा कि मैंने बताया था 3094 किलोमीटर था जब हमने MID पर था ओडोमीटर में, जब हमने नोएडा से अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी। अभी चल चुकी है 3422 माइनस 3094 यानी हमने 328 किलोमीटर टोटल चलाई है। तो हमें 328 को डिवाइड करना है 23.48 से, 13.96 यानी ऑलमोस्ट 14 का माइलेज हमें मिला है तब
जब हमने सिटी, हाईवे और पहाड़ तीनों जगह ड्राइव किया, जो कि जनरली लोग जब लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं ऐसा ही करते हैं, लगातार हमारा एसी ऑन रहा और स्पीड भी हमने ऐसा नहीं कि 80 पर ही क्रूज किया हो, हमने रफ ड्राइविंग भी की है। यानी आप कैसी भी कंडीशन में ड्राइव करेंगे तो आपको कम से कम 14 KMPL का माइलेज हुंडई एक्सप्रेस से आपको मिलने वाला है, पेट्रोल AMT, जो कि मेरी नज़र में एक तो सेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि हमने पहाड़ भी इंक्लूड किए हैं उसमें। ये था हमारा हुंडई एक्सप्रेस का माइलेज टेस्ट, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बता दीजिए। हम इसका एक फुल रिव्यू भी लाने वाले हैं जिसमें हम सारी चीज़ों की बात करेंगे। पहली बार चैनल पर आए थे, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना।